So this is the second part of Satish Ji Marathi's interview that is being continued. I wouldn't like to add anything, but then I find that you have been responding excellently well. Please do watch this video, like, share, and wait for the third part on next Sunday. Thank you for watching. Namaskar dosto. Last Sunday apne मराठी सर से बात करना चालू किया था अर्बन कॉपरेटिव बैंकिंग के बारे में. आज भी वही बातें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ताकि जो नया पर्सपेक्टिव, नए व्यूज जो है, जो नॉर्मली हमें मिलते नहीं है, वो हम लेने की मराठी सर से कोशिश कर रहे हैं. मराठी सर का इंट्रोडक्शन मैंने ओपनिंग एपिसोड में कर दिया था, तो फिर से मराठी साहब को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं. सर प्रश्न तो शुरू हो गया है. नाउ लास्ट संडे व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द चैलेंजेस एंड द सिचुएशन दैट द अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स आर फेसिंग, ये जो पीरियड चल रहा है, ये सबसे डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है अर्बन कॉपरेटिव बैंकिंग के लिए, ऐसा लोगों का मानना है. आपने जो पिछले संडे में जो आंकड़े दिए थे या जो फिर डेटा दिया था, उससे तो सुकून लगता है कि चलो ठीक है, इतनी कोई बुरी हालत नहीं है. फिर भी ऐसा एक सवाल आता है कि अर्बन कॉपरेटिव बैंकों को अभी किस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए. हालांकि आपने जो पेन पॉइंट्स है वो पहले बता दिए हैं कि हमें कहाँ पे ज़्यादा काम करना है, वो आपके आपने पिछले संडे को ये सब बता दिया है. बिजनेस स्ट्रेटजी है, इसके बारे में कुछ अगर आप गाइड कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं तो दैट वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. ऐसा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो नेटवर्क है वो पिछले 20 वर्षों में बढ़ा नहीं है, ना बैंक्स की संख्या बढ़ी और बहुत नॉमिनली ब्रांचेस की संख्या बढ़ी है पिछले, क्योंकि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का स्टिपुलेशन आने से फिर एक बार रिजर्व बैंक ने नई एक्सपांशन के ऊपर रोक लगा दी थी. तो मैं मानता हूँ कि इसके कारण बहुत सारी कठिनाई हम लोग फेस कर रहे थे. कुछ स्थानों पर एक फीलिंग अर्बन बैंकों में आया था कि हम एक्सपांड नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव रीच्ड ए सैचुरेशन लेवल, नई एरियाज में हम जा नहीं पा रहे हैं. तो ये सब के कारण एक फीलिंग ऐसा हो रहा था कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, इस प्रकार की चिंता थी. उसमें थोड़ा मैं बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में कहने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ. मालेगाम कमेटी वॉज द फर्स्ट कमेटी जिन्होंने ये रेड फ्लैग किया कि अर्बन बैंक्स में जब क्राइसिस होता है फॉर वॉट एवर रीजन्स, तब रेजोल्यूशन के लिए जितने अधिकार रिजर्व बैंक को चाहिए वो नहीं है. और वो नहीं है ये कहते समय उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस किए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की भी, कि उसको 10 साल हो गए. तब तो रिजर्व बैंक ने उसे इंसिस्ट नहीं किया था, क्योंकि उस समय की मेरी जो जानकारी थी वो नाइदर द एस्टेब्लिशमेंट विद इन द रिजर्व बैंक वॉज कम्फर्टेबल विद द रिकमेंडेशन, द सेक्टर वॉज सर्टनली नॉट इन फेवर ऑफ इट. और दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी उस रिकमेंडेशन को कोई बहुत बड़ी समर्थन नहीं था, तो वैसे ही रह गया. बट अपने यहाँ जैसे मैंने 3 बड़े हादसों का उल्लेख किया था, तो मालेगाम कमेटी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसके रिकमेंडेशंस भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो बैंक्स कंटिन्यूड टू स्टैगनेट, दे वर नॉट ग्रोइंग. फिर गांधी कमेटी है, तो गांधी कमेटी ने भी फिर उसी को दोहराया कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लाइए आप, एंड ही वेंट वन स्टेप अहेड कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाओ, या जो बड़ी हमारी बैंक्स हैं उनको हम कमर्शियल बैंक, यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया. ये सब जो वातावरण चल रहा था और जो रिजर्व बैंक के कंट्रोल्स रहे, तो उसके कारण अर्बन बैंकों में व्हाट इज़ द फ्यूचर,
इस प्रकार की एक बात रही। और दूसरा इसके साथ जो विषय आ रहा था बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के साथ, वो आपके पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। ये ट्विन के कारण हमारे यहाँ अर्बन बैंकों में एक जिसको हम कहते हैं कि बहुत अनसर्टेंटी थी, ब्लर दिख रहा था सामने, देयर वॉज नो क्लियर। तो ऐसे समय में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सहकार भारती के रूप में मैं बोल रहा हूँ, हमने फिनांस मिनिस्टर उस समय अरुण जेटली जी थे, उनसे लगातार मैं मिलते आ रहा हूँ पिछले जब तक तो वो थे, और उनके गुजर जाने के बाद पीयूष जी कुछ समय के लिए फिनांस मिनिस्टर थे गए, और निर्मला जी से हम लगातार मिलते आ रहे हैं। एंड वी हैव बीन सेइंग कि अर्बन बैंक्स हैव ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले, उसकी बहुत ज़रूरत है, और इस सेक्टर को आप ग्रो कर न करना करने के लिए उसको डिसइंसेंटिवाइज करना इज ए डिससर्विस टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, दिस इज हाउ वी हैव बीन पुटिंग इट। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी के रूप में हम करें बट क्या करें, ये सवाल लोगों के था। तो पीएमसी के निमित्त तो फिर हमने ज़रा और कोशिश की, पीएमसी एपिसोड के बाद रिजर्व बैंक ग्रोथ नहीं करने दे रही है बिकॉज दे फील दे हैव नो पावर्स टू रेगुलेट एडिक्वेटली। तो हमने पहले भी हम डिमांड करते थे बट बहुत आग्रहपूर्वक हमने डिमांड की कि अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड कीजिए और टोटल रेगुलेटरी पावर्स इनको दे दीजिए, अपने रिजर्व बैंक को एज ए रेगुलेटर दीजिए। फॉर्चुनेटली पीएमसी के बैकग्राउंड पे वो काम भी हो गया, और फिर हमने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक, तब तक मैं रिजर्व बैंक का डायरेक्टर भी बन गया था, हमने कहा कि व्हाई आर यू डिसइंसेंटिवाइजिंग, क्यों उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, व्हाट इज द रोड मैप। हमने बहुत पत्र व्यवहार किया है और हमने कहा कि सेक्टर का विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और विजन डॉक्यूमेंट इज ए मस्ट क्योंकि जो पुराना बना है वो बहुत आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं रहा, तो हमको नया विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। हमें रोड मैप दीजिए, आपको जो चाहिए वो कहिए ना, हमको कहिए हमको 15% कैपिटल एडिक्वेसी चाहिए, वी विल राइज टू द ओकेजन, कोऑपरेटिव्स आर कैपेबल ऑफ दैट, उसकी चिंता मत। आपको हमको 100% कंप्यूटराइजेशन, CBS विद पोर्टेबल जो चाहिए, वी विल अचीव इट, डोंट वरी अबाउट वेदर वी आर कैपेबल ऑफ अचीविंग इट और नो, उसकी चिंता मत करो। यू पुट द गिव अस ए रोड मैप एंड गिव अस माइलस्टोन्स कि आप ये साल 2 साल में कीजिए, ये 1 साल में कीजिए, ऐसा कुछ हमें दीजिए। उसको भी हमने बहुत परस्यू किया और उसके परसुएशन के कारण ही और फॉलोअप के कारण ही जो एक्सपर्ट कमेटी वैद्यनाथन जी की अध्यक्षता में बनी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई, रिपोर्ट आ गया है उसका। उन्होंने भी एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में 3-4 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट दिया है, हमने भी उन रिजर्व बैंक को विजन डॉक्यूमेंट दिया है कि व्हाट शुड बी, व्हाट कैन बी द विजन फॉर दिस सेक्टर। और आपने, रिजर्व बैंक हैज़ नॉट एक्सेप्टेड दैट रिपोर्ट और उसका विचार वो चल रहा है, मैं मानता हूँ जल्दी वो अपने सामने आ जाएगा रिजर्व, एंड देन अगेन इट विल बी इन पब्लिक डोमेन फॉर सबमिटिंग और व्यूज। तो नई जो रिकमेंडेशंस हैं उसके रिकमेंडेशंस आई बिलीव आर फेयरली गुड, ब्रांच ऑटोमेटिक हैं, शेड्यूलिंग की बात ऑटोमेटिक है, बहुत सारे जो इश्यूज हमारे हैं। तो हमने रिजर्व बैंक से और भी एक बात की है विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, आई कांट से वो कितना होगा कैसे होगा। मैंने कहा हमारी रिकवरी में हमें बहुत बड़ी अड़चने आती है, आप हमें व्हाई डोंट यू कम आउट विद अ वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी फॉर द एंटायर बैंकिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। मैंने कहा कैसे विचार करें, हम क्या करें,
मैंने कहा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर जिस प्रकार की प्रोविजंस हैं और भी कुछ एक्ट्स में और प्रोविजंस होंगे, उसका अध्ययन करके एक रिकवरी फैसिलिटेट करने वाला है आप पॉलिसी लाइए। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 5-6 महीनों में, क्योंकि वो रिपोर्ट एक्सेप्ट होकर दे विल कम आउट विद देयर व्यूज, पब्लिक डोमेन में जाएगा, दोज विल बी कंसिडर्ड एंड अल्टीमेटली इट विल बी ए पॉलिसी। तो उसके अंदर ब्रांच एक्सपेंशन होगा, शेड्यूलिंग होगा, जो नई एक्टिविटीज़ बैंक्स करना चाहते हैं। आपको ध्यान में होगा कि साइबर सिक्योरिटी का जो इनिशियल गाइडलाइन रिजर्व बैंक की कल्पना में थी वो सबके लिए कॉमन थी, यानी हमारी रिजर्व बैंक के लोगों से बात करते समय मैं डायरेक्टर होने से थोड़ा मुझे अधिक अप्रोचेबल हूँ, बात कर सकता हूँ, इनफॉर्मली फॉर्मली कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये जो आप साइबर सिक्योरिटी दे की प्रिस्क्रिप्शंस बना रहे हैं, इट कैन बी यूनिफॉर्म लुकिंग टू द हेट्रोजेनिसिटी ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव। तो उसको आप ग्रेडेड गाइडलाइंस बनाइए। उसमें चर्चा बहुत हुई, 5-6 महीने गए, बट देन इट्स ए ग्रेडेड अप्रोच विच हैज़ नाउ कम। एंड एज यू ग्रो एंड एज यू कंप्लाई विद द ग्रेडेड स्टिपुलेशंस यू गेट मोर वे accessibility benefits, you can do more work. उसी प्रकार का graded approach अब अर्बन बैंकों में regulation और supervision में भी आएगा। That's how I am looking at it. Tire system भी वो बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर recommendations सब हैं। Let us see how it comes out. मैं मानता हूँ कि business strategy का आपने जो सवाल किया है, इस पूरे बैकग्राउंड के ऊपर हमको विचार करना चाहिए और भी एक विचार करना चाहिए, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने देश के विकास के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पॉलिसी है। यदि हम थोड़ा लुकिंग बैक ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 6 years, पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, तो मोदी गवर्नमेंट का पूरा एम्फोसाइज जो मैं समझता हूँ और जो सामने चित्र उभर कर आ रहा है वो ये है, फॉर्मलाइजिंग द इकोनॉमी नंबर वन, फंडिंग द अनफंडेड दूसरा, तीसरा डबलिंग द फार्मर्स इनकम, यानी रूरल एरिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना, इनकम लेवल्स बढ़ाना, कंजम्पशन लेवल्स बढ़ाना, और साथ साथ एज ए स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग कंट्री ऑन द ग्लोबल फ्रंट हम इनिशियली एटलीस्ट $5 trillion इकोनॉमी बने। उस दृष्टि से हमारे यहाँ कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहे हैं, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर हमारा एम्फोसिस है, इनोवेशंस के हैं, हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री एकेडमिक का इंटरेक्शन बढ़ रहा है, उसके कारण बहुत बड़ा रिसर्च और पेटेंट्स हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। जिस पद्धति से मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है, कर रहे हैं, PLI अब आया है, और जिस पद्धति से पोस्ट पैंडेमिक चाइना प्लस वन मॉडल उभर कर पूरे विश्व में आ रहे हैं, तो इंडिया इज ऑन ए फैंटास्टिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। डिमोनेटाइजेशन को 2 दिन पहले ही 5 साल पूरे हुए, उसको हम भूल नहीं सकते कहीं, या GST हमारे पास आया, उसके बाद रेरा आया, 1.5 साल पहले हमारे यहाँ फार्म लॉज आए, तो इससे कुछ इकोनॉमी के ऊपर परिणाम इनिशियली हुआ, कुछ स्लोडाउन जैसा भी हुआ, क्योंकि सडनली कैश डिसअपीयर्ड फ्रॉम दी, तो स्लोडाउन तो हुआ, बट इफ डिस्पाइट पैंडेमिक यदि हम आप देखते हैं तो पिछले 18 महीनों में $1,50,000,000,000 के फंड्स हमारे किटी में भारत में आ रहे हैं। वर्ल्ड लुक्स टू इंडिया एज ए ग्रोथ सेंटर, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। लास्ट मंथ का GST का फिगर 1,30,000 करोड़ का इज एन ऑल टाइम हाई
पैंडेमिक के पहले भी नहीं था. दिस आर ऑल इंडिकेशंस ऑफ वी आर ऑन द राइट पाथ. अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अपने देश में जो MSME सेगमेंट है, जो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो हमारे यहाँ का जिसको हम कहते हैं सर्विसेज सेक्टर है, दे आर टू गोइंग टू ग्रो फिनोमिनली. इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. ये पैंडेमिक के कारण थोड़ा लेट हुआ, अन्यथा ये रिजल्ट पहले दिखने शुरू होने चाहिए थे. तो मैं मानता हूँ कि इकोनॉमी विल बूम एंड इट विल कंटिन्यू टू बूम फॉर ईयर्स. तो उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अर्बन बैंकों ने अपना बिजनेस प्लान, अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी, हमारे एक्सपेंशन की योजनाएं, और एक्सपेंशन ग्रोथ हैज आल्सो टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड विद एप्रोप्रिएट क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस. नहीं तो ग्रोथ होता है विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम ग्रोथ मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो अर्बन बैंकों को ये आने वाले 5-7 साल का चित्र सामने देखते हुए अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है. सर, मेरे सवाल जो है थोड़े आगे पीछे होने वाले हैं, लेकिन रिलेटेड टू सेक्टर ही सवाल रहेंगे. अभी आपने बात करते हुए थोड़ा BR एक्ट का रेफरेंस उसमें आया, अमेंडमेंट्स का. ये BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस सेक्टर में आया है कि ये जो प्रोविजंस है वो हमारे लिए शायद ड्रेकोनियन है, या फिर शायद हमारी फ्रीडम को कर्टेल करने वाली है. तो रिजर्व बैंक के पास इसका एक वेपन है कि वो डिसाइड कर सकती है कि ये प्रोविजंस किस तरह से इंप्लीमेंट करना है. तो उसमें पेस क्या होगा, या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा? मेजर प्रोविजंस उसमें जो परेशान करने वाली वो ये है कि डायरेक्टर्स का पीरियड जो है, टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स विल बी 8 years, वेदर बैंकिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट और कॉन्करेंट सब्जेक्ट, मिक्स व्यूज इन द होल स्टोरी. सो ये जो चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, इसके बारे में हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हम आपसे लेना चाहते हैं. देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1966 तक कोऑपरेटिव बैंकों को अप्लाई नहीं हो रहा था. आपको ध्यान, सब लोग जानते हैं. एंड व्हाई इट बिकेम एप्लीकेबल, ये भी लोग शायद नहीं जानते. खाली एप्लीकेबल हो गया एज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इतना ही आज के लोग काफ़ी जानते हैं. व्हाई इट बिकेम एप्लीकेबल, यू शुड अंडरस्टैंड द जेनेसिस ऑफ इट. आपको शायद जानकारी है कि 1962 में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉ एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट लोकसभा ने पारित किया. और वो जब एक्ट बना 1962 में, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस था और क्रेडिट गारंटी, दोनों इट वॉज ए कंबाइंड थिंग. तो ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस था, उस एक्ट में प्रोविजन थी कि इट विल बी मेड प्रोवाइडेड ओनली टू रेगुलेटेड एंटिटीज. आज भी वही है प्रोविजन, 62 की जो प्रोविजन है वही आज है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस विल बी कवर विल बी अवेलेबल टू रेगुलेटेड एंटिटीज. तो कोऑपरेटिव बैंकों ने एक साथ आकर डिमांड की. बहुत 2-3 साल ये चर्चा चली कि भाई आवर डिपॉजिटर्स आर ऑल्सो डिपॉजिटर्स, तो हमें भी इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए. तब विषय आया कि यू आर नॉट ए रेगुलेटेड एंटिटी, BR एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू. तो देर वॉज अ कन्फ्यूजन अकॉर्डिंग टू मी इवन एट दैट टाइम. वॉट इज टूडे वॉज ऑल्सो रिलेवेंट इन 66. तो इट शुड हैव बीन मेड एप्लीकेबल राइट फ्रॉम day 1, बट नहीं हुआ. ठीक है, नहीं हुआ क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स आर ओल्डर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये भी शायद उसका कारण होगा. या उसके अंदर कोऑपरेटिव को नहीं, वो स्टेट सब्जेक्ट है करके छोड़ दिया होगा हमारे उस समय, वॉट एवर रीजन्स पे थे. तो बहुत चर्चा डिस्कशन होने के बाद BR एक्ट बिकेम एप्लीकेबल
टू दी कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 66 में. एंड देन द प्रोसेस ऑफ लाइसेंसिंग स्टार्टेड लुकिंग टू द हेटेरोजेनेसिटी. कुछ सेक्शंस अप्लाई नहीं हुए किए गए एंड इट बिकेम समथिंग लाइक ए ड्यूअल कंट्रोल विच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकेम मोर प्रॉब्लमेटिक. और जो मैंने तीन बड़े हादसे दिए वो बड़े थे, छोटे छोटे बहुत बीच में और भी काफ़ी हुए हैं. आपको वी डोंट हैव टू गो इन टू ऑल द डिटेल्स, बट बहुत हादसे हुए. और एक इम्प्रेशन जनरल सब स्थानों पर है कि जिस पद्धति से स्टेट गवर्नमेंट्स विशेष करके इन केस ऑफ एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए या एक्शन लेना उनको चाहिए था उन्होंने नहीं लिया, नहीं कर पाए. पॉलिटिकल कारण था, एडमिनिस्ट्रेटिव, आई एम नॉट गोइंग इन टू, बट नहीं हो पाया. तो ये न होने के कारण देयर इज ए कंटिन्यूस फीलिंग कि दीज बैंक्स आर अंडर रेगुलेटेड. और उसके कारण मैंने जैसे कहा कि सब प्रकार की बैंकें पिछले 20 वर्षों में शुरुआत हुई. प्राइवेट सेक्टर हुई, स्मॉल फाइनेंस हुई, पेमेंट बैंक हुई, यूनिवर्सल बैंक्स भी बनी, बट नो अर्बन बैंक. नॉट ए सिंगल अर्बन बैंक हैज बीन लाइसेंस्ड इन लास्ट 20-21 ईयर्स. तो और यदि हम देखते हैं, वी आर ए कॉन्टिनेंटल कंट्री, नॉट ए स्मॉल कंट्री लाइक मेनी कंट्रीज इन यूरोप. और वहाँ भी बैंकों की संख्या ज़्यादा है. यानी अमेरिका का उदाहरण हम दें तो पॉपुलेशन भले उनकी शायद 30-35 करोड़ होगी, थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, उसको क्रेडिट यूनियंस के नाम से कहते हैं. यही हालत ऑस्ट्रेलिया में है, यही पूरे विश्व में है. और हमारे यहाँ आज भी 400 से अधिक शायद डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ एक भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. तो वी हैव टू ग्रो, और इफ वी हैव टू ग्रो देन रेगुलेशन वॉज एन इशू ऑलवेज. और आपको शायद ध्यान में होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन, बट शायद डॉक्टर बिमल जलान अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और उस समय जो कुछ चर्चा रही थी तो उसके अंदर रहा था कि भाई आप अर्बन बैंक्स आर नॉट कंफर्टेबल विथ रिजर्व बैंक, आपके लिए नया रेगुलेटर बनाने के लिए हम गवर्नमेंट को बोल देते हैं. बाय वॉइस वोट अर्बन बैंक सेड नो, वी वॉन्ट आर बी आई एज द रेगुलेटर. ये एक तरफ ये एक इशू है कि नहीं, हमको आर बी आई ही चाहिए रेगुलेशन. दूसरा ये और भी एक उसका एंगल है जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती है, अर्बन बैंक सेगमेंट में होती है एंड इट इज़ वैलिड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी. जिस पद्धति से कमर्शियल, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल, बिग बैंक्स, उनको ऑपरेशनल फ्रीडम है नए प्रोडक्ट्स हों, नए सर्विसेज हों इंट्रोड्यूस करने के, या हमारी बैंक अर्बन बैंकों की गारंटीज को एक्सेप्टेंसेज एक्सेप्ट करने की बात हो, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस की बात हो, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से वी वांट ऑल दीज थिंग्स, हम करना ही चाहते हैं. तो ये करना है तो कैसे करें? यानी द सेक्टर हैज़ टू बी रेडी फॉर इट, ये भी एक बात थी उसके अंदर. और डिमांड आती है कि हमारा इंटेग्रेशन आप पूरे बैंकिंग मेन स्ट्रीम बैंकिंग से कर दो, ये भी कोऑपरेटिव बैंकों के साथ आती रही है. और उसी कारण कभी कभी हमारी बड़ी कोऑपरेटिव बैंक्स जब ये रिपोर्ट नहीं आया था तब बोलते थे कि नहीं, हम तो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होना चाहते हैं. तो इंटेग्रेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ग्रेडेडली ऑफकोर्स, नॉट एट वन स्ट्रोक विद द अर्बन एंटायर मेन स्ट्रीम बैंकिंग, ये भी डिमांड हो रही है. नाउ टू मीट ऑल द थ्री ऑब्जेक्टिव्स, न्यू बैंक्स, कंप्लीट रेगुलेशन विद द रेगुलेटर टू मीट द क्राइसिस इन केस ऑफ क्राइसिस, एंड थर्ड इंटेग्रेशन. यदि करना हो तो यू हैव नो चॉइस बट टू गिव एमएनडी बैंकिंग रेगुलेशन, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन पुटिंग आउट
with the finance ministry, finance secretary, Reserve Bank of India, everybody. And we worked in tandem with all authorities. ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंड करवाने में मैंने ड्राफ्ट दिया था बनाकर एज सहकार भारती. ऑफ कोर्स इंडिविजुअल तो इसमें कोई इशू नहीं है. एज सहकार भारती वी हैड गिवन ए ड्राफ्ट एंड आई हैड मेट इवन देन द लॉ मिनिस्ट्री. रविशंकर प्रसाद जी थे, उनको कहा कि भाई ये अमेंडमेंट आ सकती है, हमने तो प्रपोज किया है, तो आपकी मिनिस्ट्री में लेट नहीं करना क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री कभी कभी वेटिंग में बहुत टाइम लगे. तो उन्होंने कहा नियम फास्ट ट्रैक पे करेंगे, ही हैड ऑल्सो एश्योर. और मिनिस्ट्री में तो हम फिनेंस मिनिस्ट्री में एट ऑल लेवल्स वी वेर टॉकिंग, तो रिजर्व बैंक ऑल्सो वी वेर टॉकिंग. तो ये मिलकर हुआ है, तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. अभी जो अमेंडमेंट चेंजेस आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके बारे में भी मैं थोड़ा कहना चाहूँगा. सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नॉर्मली टर्म रहती है कमिटी की, ये कभी 2 साल कभी 4 साल रहती है. आप यदि एंटायर बैंकिंग सेक्टर में देखें तो डायरेक्टर्स कैन बी कंटिन्यूसली फॉर ओनली 2 टर्म्स इन एनी बैंक. दे कांट बी फॉर मोर देन 2 टर्म्स पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर. वन कूलिंग पीरियड एक बीच का एंड देन अगेन यू कैन बी बट कंटिन्यूसली फॉर 2 टर्म्स. तो ध्यान में रखकर एक्ट बनाते समय वहाँ के जो भी किसने ड्राफ्ट किया उसने 2 टर्म्स 4 ईयर्स ईच ऐसा करके कर दिया. तो नए सहकारिता मंत्री जो अमित भाई से हम मिले तो हमने कहा ये गलती हुई है. निर्मला जी से फाइनेंस मिनिस्टर से हम जब मिले तो उनको भी हमने कहा कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में टर्म 5 ईयर्स की बात है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 2 टर्म ऑफ 5 ईयर्स. तो इसमें आपने 2 टर्म करके इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो इसको चेंज करना चाहिए एंड कीप द टर्म ऑफ 5 ईयर्स ईच 2 टर्म्स. 2 टर्म्स बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद द मेन स्ट्रीम बैंकिंग, तो सब बैंकों में जो है वो अपने यहाँ लागू हो गए. और एक है कि हमारे यहाँ जैसे प्री नेशनलाइजेशन के पहले एक फैमिली का एक ग्रुप का ही उस समय के आज जो पब्लिक सेक्टर हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से उनका कंट्रोल था. अर्बन बैंकों में भी ग्रुप का है फैमिलीज का भी कंट्रोल रहा है. सो वी नीड ए ब्रेक इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. इट्स नॉट वो उनको हटाना इनको दूर करना ये बात नहीं है, बट इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बैंक्स हैव टू रन प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट ऑफ फैमिली कंसर्न्स ग्रुप कंसर्न्स पॉलिटिकल कंसर्न्स वॉट एवर दे आर. बैंक्स शुड रन एज बैंक्स. ये ध्यान में रखकर ये एक अमेंडमेंट लाए. इतना ही नहीं, सीईओ का जो है वो भी 15 ईयर्स का टर्म सबको कॉमन है पूरे बैंकिंग सेक्टर में. तो अर्बन बैंक कोऑपरेटिव बैंकों को भी वो अब लागू कर रहे हैं. वो करते समय एक चीज़ उन्होंने प्रॉस्पेक्टिवली थोड़ा करना चाहिए था, तब ये आज जो हमारे यहाँ एक अनसर्टेंटी है वो नहीं आती. रिजर्व बैंक को हमने भी वी हैव सबमिटेड सम सजेशंस, दे आर अंडर कंसिडरेशंस. बट विशेष करके मैंने उनको कहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जिसने 15 साल किए या नहीं किए, यदि किए हैं उसने तो उसे कम से कम सबसे अड़चन आ रही है वो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है वो अड़चन आ रही है फॉर मोस्ट ऑफ दी सीईओस. दूसरे बैंक में भी वो सीईओ नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड दे आर नॉट ड्यू फॉर रिटायरमेंट. उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हाउसिंग लोन वगैरह उनके पास हैं और सडनली देर इज़ नो पर्सन टू सक्सीड देम ऑल्सो. तो ये सब ध्यान में रखते हुए जो एग्जिस्टिंग सीईओज हैं, बिकॉज सीईओज एंड सीनियर मैनेजमेंट हैव ग्रोन विद द बैंक्स, उस समय जो आवश्यकता थी क्वालिफिकेशन से उसके आधार पर वो बैंक में ज्वाइन हुए थे एंड देव शोन देयर परफॉर्मेंस. वी हैव द बैंक्स हैव ग्रोन, वी हैव ग्रोन.
तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप डाइल्यूट मत कीजिए, बट उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटेंड करने के लिए 3 साल का समय दीजिए. एंड दैट्स ए सॉर्ट ऑफ ए नोटिस कि हम 3 साल आपको दे रहे हैं, आपका एलिजिबल बनिए, आप दूसरे बैंक में कहीं भी जा सकते हैं. और मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ इसमें से CEOs का जो है विषय वो रास्ता निकलेगा. और जो 51% वाला बोर्ड का के ऊपर जो विषय है, डायरेक्टर्स किस बैकग्राउंड के हो, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, आपने यदि गाइडलाइंस पढ़ी हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके कारण हमें अड़चने आएगी. हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, एक्सपीरियंस लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. बैंक का बोर्ड ब्रॉड बेस्ड, मल्टी डिसिप्लिन और मल्टी सेक्टर का अनुभव और एक्सपोजर रखने वाले हो, ताकि बैंक की फंक्शनिंग ऑपरेशंस ये अधिक सुचारू रूप से चले, यही उसका पर्पज है. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लाना ये बात नहीं है. मुझे कुछ दिन पहले एक ने पूछा मीटिंग में, सपोज हमारा इंडस्ट्री का अनुभव रखने वाला व्यक्ति इलेक्शन में हार गया तो क्या करें. मैंने कहा मैंने ये सोचा नहीं था क्या होगा, बट हार गया. ऐसी स्थिति होती है तो जैसे हमने रिजर्वेशंस रखे हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए या हमारे महिलाओं के लिए, एट द मोस्ट वी कैन क्रिएट रिजर्व सीट जिसको वोटिंग तो सब लोग करेंगे, तो उस रिजर्वेशन में इंडस्ट्री का होगा, एक में एग्रीकल्चर का होगा, ताकि द पर्पस विल बी सर्व फॉर हैविंग ए ब्रॉड बेस. तो उस पद्धति से हम करते हैं तो वी डोंट हैव टू बी वरीड. तो ये जो रिजर्व बैंक की अब गाइडलाइंस धीरे धीरे आ रही है, ये क्या हमने और एक डिमांड की थी लुकिंग टू वॉट कंटिन्यूसली द रिजर्व बैंक हैज बीन सेइंग एंड दैट वी आर फेसिंग ऑल्सो, कि हमारे पास कैपिटल कम है. रिस्क कैपिटल इज द अल्टीमेट कुशन टू फेस एन अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस. तो हमारे यहाँ कैपिटल कम है, हम कैपिटल रेस कर रहे हैं, 14% से ज़्यादा CRAR सेक्टर का है, बट आर वी एडिक्वेटली कैपिटलाइज एंड कैन वी रेज कैपिटल वेन वी वॉन्ट. ये जो कैन वी रेज एट ए शॉर्ट नोटिस वेन वी वॉन्ट वाला विषय है, इज स्टिल टू बी एडजस्ट इन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर. टूडे वी आर वेल कैपिटलाइज मोस्ट ऑफ द बैंक्स. जैसे आपने देखा रिजर्व बैंक ने सब बैंकों को कहा पैंडेमिक के बैकग्राउंड आप कैपिटल बढ़ाइए. ATI बॉन्ड 1 इसका राइट ऑफ किया येस बैंक में, फिर भी स्टेट बैंक अब 6,500 करोड़ रुपया रेज कर रही है, लोग उनको दे रहे. तो कैपिटल रेज करने की हमारी जो क्षमता है वो मर्यादित है, और वो ध्यान में रखकर हमने कहा था और हमने डिमांड की थी फिनेंस मिनिस्ट्री में, उसकी प्रोविजन अब बैंकिंग रेगुलेशन में एक्ट में आई है कि यू कैन रेज इक्विटी, यू कैन रेज बॉन्ड्स थ्रू पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. तो ये डिमांड तो आ गई, उन्होंने प्रोविजन कर दिया, इट्स एन एनेबलिंग क्लॉज टुडे. बट इक्विटी कैपिटल रेज करने में थोड़ा समय जाएगा, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड इशू, क्योंकि हम जो कैपिटल इशू करते हैं वो ऑन टैप है. आज बार कस्टमर आया तो हमको उसको मेंबर करना होता है, तो हम अमाउंट, तो व्हाट इज़ द प्राइसिंग, व्हाट शुड बी द वे फॉर, बहुत सारे इश्यूज उसके अंदर हैं. तो इक्विटी में थोड़ा समय आएगा, बट बॉन्ड्स इशू करने में कोई अड़चन नहीं आएगी. इट डजेंट अफेक्ट ओनरशिप पैटर्न, वोटिंग, प्राइसिंग, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट. और ये जो बात है कि अब हम इक्विटी रेस करेंगे इक्विटी मार्केट से तो हम प्राइवेटाइज हो जाएंगे क्या, कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे क्या, 1 person 1 vote प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या, नो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. वर्ल्ड वाइड 1 person 1 vote इज द प्रिंसिपल कार्डिनली एक्सेप्टेड अक्रॉस द ग्लोब. अपने देश में भी वही होगा, बट हमने साथ में और एक उसके लिए प्रोविजन विचार करके कहा था कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, आई हैव नॉट टॉक्ड ओनली ऑफ बैंक्स, आई हैव टॉक्ड ऑफ द एंटायर सेक्टर, कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन शुड बी परमिटेड टू प्रमोट SPVs एंड कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट. दे मे बी 100% ओन, दे मे बी विद द मेजॉरिटी ऑफ द कोऑपरेटिव्स, एंड दीज SPVs एंड कंपनीज विच ए कोऑपरेटिव कैन फॉर्म कैन गो एंड टैप द कैपिटल मार्केट इन इन्वेस्ट. वर्ल्ड वाइड दिस इज हैपनिंग.
अपने देश में कोऑपरेटिव कैरेक्टर मेंटेन करते हुए कैपिटल रेज करना, एंड देयर इज नो डर्थ ऑफ कैपिटल इन द कंट्री, कैपिटल विल कम, और कैपिटल विल कम टू गुड कंपनी. तो जो जिसको एग्जिट देना है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट भी हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट. तो इससे जो लोगों के मन में डर है ना कि प्राइवेटाइज हो रहे हैं, वन पर्सन वन वोट हो क्या होगा, इट इज अनफाउंडेड. हमारे यहाँ कुछ लोगों ने एक हवा बढ़ाई कि ऐसा होगा वैसा होगा, इट्स नॉट ट्रू, नथिंग विल हैपन. और आपने देखा होगा कि नॉट ऑल, जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो इसके प्रोविजंस हैं बैंकिंग रेगुलेटर, हैव नॉट बीन नोटिफाइड स्टिल, नॉट ऑल प्रोविजंस हैव बीन नोटिफाइड, दे विल बी नोटिफाइड ग्रेजुअली. तो वो करते समय ये जो ऐसे सब इश्यूज आएंगे विल बी एड्रेस्ड. इट इज द डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज वी हैव बीन एश्योर्ड कोऑपरेटिव्स विल नॉट बी प्राइवेटाइज्ड. It's the declared policy of the government of India. Okay, okay. So there is no need to worry. So that's a great relief because people have been creating a lot of confusion in this area. I believe we'll continue in the third episode next Sunday. Thank you so much, sir. Thank you so much. Namaste.